ओके लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5। क्या करना है आपको यहाँ पर, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आप कुछ रोज को या कुछ कॉलम्स को चेंजेस करना है, बरूबर ना, कुछ रो को या कुछ कॉलम को चेंजेस करना है। तीन क्वेश्चन दिए, तीनों क्वेश्चन के बाजू में किस तरीके से चेंजेस करना है वो आपको क्लियरली दिया हुआ है, बरूबर। तीनों भी क्वेश्चन में क्लियरली आपको बताया कि आपको चेंजेस किस तरीके से करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो मैट्रिक्स को कोई नाम नहीं दिया, तो हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स को क्या दे देते हैं, एक नाम, लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स, बरोबर। अब इसमें चेंजेस अप्लाई करना, क्या चेंज करना है आपको, रो वन को इंटरचेंज करना है रो टू से, रो वन को इंटरचेंज करना है रो टू से, यानी कि रो वन जो है वो आपका रो टू बन जाएगा और रो टू जो है वो आपका रो वन बन जाएगा, बरोबर। इसे हम कहते हैं इंटरचेंज, क्या कहते हैं, इंटरचेंज। देयरफॉर ए अप्लाइंग रो वन इंटरचेंजेस टू रो टू वी गेट ए इक्विवेलेंट टू टू थ्री माइनस फोर, समझा आपको ये। फिर सेकेंड रो था आपका फर्स्ट हो गया, जो फर्स्ट होता है वो आपका सेकेंड रो हो गया, करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे आपको कॉलम इंटरचेंज करना है, दो कॉलम में, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, बरूबर। जब हम कॉलम इंटरचेंज करें तो ये कॉलम आ जाएगा, सेकेंड कॉलम हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम, और जो फर्स्ट कॉलम है वो बन जाएगा आपका सेकेंड कॉलम, करेक्ट। तो पहला इसको नाम नहीं देते, नाम दे देते, लेट ए इक्वल टू लिख दिया आपने। फिर अप्लाइंग कॉलम वन इंटरचेंजेस टू कॉलम टू वी गेट ए इक्वेलेंट टू फोर माइनस फाइव टू वन, करेक्ट। आपने कॉलम्स को क्या कर दिया, इंटरचेंज। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आपको रो भी चेंज करने बोला हुआ है और कॉलम भी, सिंपली आपको बोला हुआ है थ्री आर टू, यानी कि क्या, आपको जो रो टू है उसको इंटरचेंज करना है, या चेंज भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, इंटरचेंज या फिर चेंज, आपको उसको चेंज करके क्या कर लिखना है आपको, थ्री आर टू, क्या लिखना है आपको, थ्री आर टू। तो सबसे पहला नाम नहीं दिया, तो हम नाम दे देते इसको, लेट ए इक्वल टू लिख दिया हमने ये। अभी इसमें हम चेंजेस अप्लाई करेंगे, जो सेकेंड रो है उसको चेंज किस में कर देंगे, थ्री आर टू, ठीक है। आर टू यानी कि आपका ये रो, सेकेंड रो, बरूबर ना, और थ्री यानी कि इस रो को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, थ्री से। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, अप्लाइंग रो टू इंटरचेंजेस टू थ्री आर टू, थ्री आर टू यानी कि सारे रोज के एलिमेंट को आपको थ्री से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले जो एलिमेंट है सीरीज लिख दिए, जो ये सेकेंड रो था उसमें हमने चेंजेस किया, क्या किया, मल्टीप्लाई किया थ्री से, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री, ठीक है। तो आपका ये रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला हो गया पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट है आपका कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इस पे नहीं, मेन क्वेश्चन जो हमने लेट ए इक्वल टू लिया इसी पे अप्लाई करेंगे, बरोबर ना, क्योंकि एक क्वेश्चन में आया रो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है या कॉलम, दोनों नहीं हो सकता। तो हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी ए पे ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉलम टू चेंजेस टू कॉलम टू माइनस फोर कॉलम वन, बरोबर ना। तो यहाँ पे कौन सा कॉलम चेंज हो रहा है, कॉलम टू। तो हमारा पूरा फोकस होगा कॉलम टू के ऊपर, ये हमारा कॉलम टू है, बरोबर। बाकी दोनों कॉलम है चीज होगा, खाली आपको इसको चेंज करना है। कॉलम सेकंड रो, सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट फोर है, बरोबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सॉरी वन है, पहला एलिमेंट क्या आपका वन, तो वन माइनस फोर, सी वन क्या है, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग सी वन यानी कि ये थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, समझा आपको ये। सेकेंड क्या था आपका, सेकेंड कॉलम थ्री है, तो सी टू का सेकेंड कॉलम आपका थ्री है, थ्री माइनस फोर, करस्पॉन्डिंग कॉलम का एलिमेंट सी वन ना, सी वन का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वन, समझा आपको ये। इस तरीके से आपको कॉलम को चेंज करना है। नेक्स्ट कॉलम टू का थर्ड एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग, वन माइनस फोर, करस्पॉन्डिंग का कॉलम वन वैल्यू क्या आपका माइनस वन, करेक्ट। कौन से कॉलम टू में, हाँ दूसरे वाले में, इसमें मतलब ये तो आपका रो वाला हो गया, खत्म हो गया, हाँ आइदर रो होगा या कॉलम होगा, दोनों नहीं होगा। तो ये जो चेंजेस है आपको इस मैट्रिक्स पे करना है, ठीक है ना। कौन से मैट्रिक्स पे, ए वाले मैट्रिक्स पे आपको करना है। तो देखो, अप्लाइंग सी टू चेंजेस टू सी टू माइनस फोर सी वन ऑन ए, ए पे होगा, ए इक्विवेलेंट पे नहीं होगा चेंजेस, ठीक है ना, क्योंकि आइदर रो होता है या फिर कॉलम होता है।
तो हम लोग यहाँ पे कॉलम चेंज कर रहे हैं। तो देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है एसिडिस लिखा है यहाँ पे 1 माइनस 4 इंटू 3, कैसा है समझा आपको ये 3 माइनस 4 इंटू 1, 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1, करेक्ट। अब इसे सिंप्लीफाई करने पे आपको एक मिनट का वैल्यू मिल जाएगा 1 माइनस 4 3 जा 12 4 1 जा 4 और माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, समझा आपको ये। इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करने पे आपको एक इक्विवेलेंट का फाइनल आंसर मिल गया। तो आपका कॉलम टू जो है वो चेंज हो गया। तो ये चेंजेस अप्लाई करने पे कॉलम टू में चेंजेस आपको देखने मिल रहे हैं। बाकी दोनों कॉलम जो एक है वो है सी डी सी है। तो यहाँ पे जो आप लिख रहे हो वही कॉलम चेंज होने वाला है या फिर वही रो क्या होने वाला है चेंज, समझा। तो इस तरीके से आप कोई भी मैट्रिक्स के रो या कॉलम को चेंज कर सकते हो, ठीक है। आइदर पूरे दो रो को चेंज कर सकते हो या सिंपली एक रो को भी चेंज कर सकते हो। चेंजेस कैसे अप्लाई करना है समझा आपको ये। अब क्यों करना है वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। बट इस तरीके से चेंजेस हम रो और कॉलम को करते हैं। मूविंग अहेड नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम में लिखा है ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स इनटू अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसमें ट्रांसफॉर्म करना है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है आपको क्या यूज करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको कहा रो या कॉलम एक ही आप अप्लाई कर सकते हो, बरोबर ना। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ओके। तो यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने बोला हुआ है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें तीन एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, जीरो। डायगनल के नीचे जो तीन एलिमेंट है, बरोबर, ये डायगनल है आपका, करेक्ट। डायगनल के नीचे के तीन एलिमेंट अगर जीरो हो गए तो आपका ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसे नाम नहीं देते, एक नाम दे देते हम लोग, लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स, बरोबर। अभी आपको इस पर ऑपरेशन अप्लाई करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, बरोबर ना। अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को क्या बनाए, जीरो। इन दोनों को क्या बनाए, जीरो। अब जीरो बनाने के लिए मेक श्योर ये वन है, आराम से हम इसकी सहायता से इन दोनों को जीरो बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा रूल क्या कहेगा यहाँ पे, टू को जीरो बनाना, बरोबर ना। और किसकी मदद से बनाएंगे हम लोग, रो वन की मदद से। तो रो टू, एक मिनट, हाँ, रो टू चेंजेस टू रो टू माइनस टू आर वन, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आपको कैसे बनाना है, इसको जीरो बनाना है, इस मोटिव से आपको इसे लिखना है। अभी आप अगर यही ऑपरेशन इस पर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, टू, करेक्ट, रो टू टू है ना ये, टू माइनस टू इंटू वन, टू वन जा टू, बराबर ना, अल्टीमेटली जीरो आ गया। तो आपका ये मोटो पूरा हो गया। तो इसे जीरो बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक। उसी तरीके से इसे भी जीरो बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, रो थ्री चेंज करना है ना, तो रो थ्री चेंजेस टू रो थ्री माइनस थ्री रो वन, क्योंकि यहाँ पे थ्री है ना, समझा आपको ये। रो थ्री कितना था, थ्री था, थ्री माइनस थ्री इंटू रो वन में कितना है, वन, करेक्ट। तो ये जीरो हो जाएगा। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, इस तरीके से करना है ताकि ये दोनों एलिमेंट क्या बन जाए आपके, जीरो, ठीक है। अभी ये जो चेंजेस है वो एक ही एलिमेंट पे नहीं, सारे एलिमेंट्स पे होगा। आपने इक्वेशन बनाने के लिए इसे ऑब्जर्व किया, बरोबर ना, इसका ध्यान किया, बट जब चेंजेस अप्लाई करोगे तो रो टू के सारे एलिमेंट्स चेंज हो गए और रो थ्री के भी सारे एलिमेंट्स चेंज हो गए, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं आंसर क्या है इसका। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद में ए इक्विवेलेंट टू, पहला वाला रो एज इट इज, देखो ये कोई चेंज हुआ क्या पहले रो में, नहीं। सेकेंड वाले रो में चेंजेस हुआ, कैसे हुआ चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहला ये इस पर फोकस करो, सेकेंड रो चेंज कर दो, इस पर फोकस करो, ठीक है। रो टू चेंजेस टू रो टू, रो टू क्या आपका टू माइनस टू इंटू वन, करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी आप रो लोगे उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेना आपको, ठीक है ना। तो कितना हो गया, जीरो हो गया। नेक्स्ट थ्री कैसे है चेक करते हैं, रो टू, रो टू में कौन सा ये वन, वन, करेक्ट, वन माइनस टू इंटू माइनस वन, करेक्ट। तो क्या हो गया ये माइनस माइनस प्लस,
वन प्लस टू थ्री, समझा आपको ये कैसे हुआ। नेक्स्ट आपको अभी ये इसी चेंज करना है, ये माइनस वन कैसा है बता रहा मैं आपको। सबसे पहले रो टू का एलिमेंट, रो टू का ये एलिमेंट चेंज करना है अभी, थ्री माइनस टू इंटू टू, इसका करस्पॉन्डिंग रो का एलिमेंट बरूबर, टू इंटू टू, टू टू जा फोर, थ्री माइनस फोर माइनस वन, समझा आपको ये। उसी तरीके से आपको अभी रो थ्री को चेंज करना है। ये कैसे बना हमने, इसको जीरो बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया बरूबर ना, इसको ध्यान में रख के हमने ये रो ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अब ये रो ट्रांसफॉर्मेशन हर रो में अप्लाई होगा, ये तो आपका जीरो होगा क्योंकि ये आपने बनाया उसी सेंस में, करेक्ट। अब आगे के दो देखते हैं हम लोग, रो थ्री फाइव कैसा आया, रो थ्री का एलिमेंट क्या आपका टू, टू माइनस थ्री इंटू थ्री इंटू माइनस वन, रो वन लिखा है ना, थ्री इंटू माइनस वन, तो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, टू प्लस थ्री फाइव, समझा आपको ये। नेक्स्ट अभी ये वाला एलिमेंट चेंज करना आपको, करेक्ट। ये कैसा आया, रो थ्री यानी कि फोर माइनस थ्री इंटू करस्पॉन्डिंग का रो वन, थ्री इंटू टू, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स फोर माइनस सिक्स माइनस टू, तो आपने दोनों भी रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। अब दोनों भी रो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए सिर्फ अभी एक ही प्रॉब्लम में, फाइव फाइव नहीं चाहिए हमें बरूबर ना, और फाइव को हटाना है आपको, तो फाइव को हटाने के लिए रो थ्री को चेंज करना पड़ेगा अगेन। तो आपका देखो इक्वेशन क्या होना चाहिए, रो थ्री बरूबर चेंजेस टू रो थ्री बरूबर, अभी किसी की मदद से बनाना पड़ेगा आपको ये माइनस, अभी इसको जीरो बनाना है ना, इसको हम इसकी मदद से बना सकते हैं और इसकी मदद से भी बरूबर, बट हम देखते हैं अभी सेकेंड रो की मदद से हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले रो थ्री में कौन सा एलिमेंट है, फाइव बरूबर, इसको जीरो बनाना है आपको, इसको ध्यान में रख के मैं इक्वेशन क्रिएट कर रहा हूँ बरूबर, फाइव माइनस किससे माइनस करूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या मिले, जीरो मिले, तो फाइव माइनस हटाना है मेरे को ना, तो अगर मैं इसकी मदद से अगर मैं इसको जीरो बना रहा हूँ रो टू की मदद से, तो रो टू में तो थ्री है करेक्ट, रो टू में क्या आपका थ्री है, थ्री अपॉन फाइव, थ्री अपॉन फाइव, सॉरी 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 जस्ट वेट, माइनस फाइव अपॉन थ्री इंटू रो टू बरोबर ना, कि रो टू का एलिमेंट कितना है यहाँ पे थ्री, अगर यहाँ पे थ्री है यहाँ पे थ्री, तो थ्री थ्री क्या हो जाएगा कट, और फाइव फाइव कट हो गए जीरो, तो आपका इस तरीके से होगा रो थ्री चेंजेस टू रो थ्री माइनस फाइव अपॉन थ्री, फाइव अपॉन थ्री रो टू, रो टू की मदद से हम इसे जीरो बना रहे हैं करेक्ट। तो इस तरीके से आपको चेंजेस अप्लाई करना है, आप रो वन की मदद से भी बना सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, बट आपको मोटो क्या है खाली इस फाइव को जीरो में कन्वर्ट करना है। ओके तो लेट्स सी, ये हमारा इक्वेशन रो थ्री चेंजेस टू रो थ्री माइनस फाइव अपॉन थ्री रो टू अप्लाई करिए। अभी ये अप्लाई सब पे होगा, पहला तो वैल्यू एज इट इज ही रहेगा बरूबर ना, पहला तो वैल्यू एज इट इज रो थ्री चेंज हो रहा है, तो इस पर अप्लाई करके देखते हैं, जीरो जीरो माइनस फाइव अपॉन थ्री जीरो, जीरो को किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर दो, अल्टीमेटली क्या आएगा आपका जीरो ही आएगा ना, फाइव अपॉन थ्री जीरो, तो यहाँ पे वैल्यू पे अफेक्ट हुआ क्या कुछ नहीं, एज इट इज आ गया। अभी ये जो हमने बनाया वो इसको जीरो बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, और हम इसको ऑलरेडी चेक कर चुके किस तरीके से जीरो हुआ। अब थर्ड वाले एलिमेंट पे कैसे होता है, रो थर्ड के थर्ड एलिमेंट पे कैसे होता है ये रूल वो हम देखते हैं ठीक है ना। रो थ्री का थर्ड एलिमेंट क्या आपका माइनस टू, तो माइनस टू माइनस फाइव अपॉन थ्री करस्पॉन्डिंग रो टू का एलिमेंट कितना है माइनस वन ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करने पे माइनस टू माइनस माइनस प्लस बराबर फाइव अपॉन थ्री, इसे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा माइनस सिक्स प्लस फाइव, माइनस सिक्स प्लस फाइव अपॉन थ्री ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे माइनस वन अपॉन थ्री, समझे आपको ये।
इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ऐसा सिंप्लीफाई करके आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गया आपको, ये रो के डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट को जीरो बना के आपको ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गया, समझा आपको ये। आगे बढ़े नेक्स्ट टर्म, अच्छा विच इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट फाइंड अ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, आपको क्या फाइंड करने बोला यहाँ पे, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं। तो कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं अभी हम वो देखते हैं, ठीक है। पहले वाले सम का जो ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 2 by 2 सॉल्यूशन। द कोफैक्टर ऑफ द कोफैक्टर कैपिटल ए आई जे, ठीक है, ये कोफैक्टर के एलिमेंट है, कोफैक्टर के क्या है एलिमेंट्स, एक ऑफ ए आई जे, ए आई जे क्या आपका मैट्रिक्स का एलिमेंट, बरोबर ना। आई आपका रो है, जे आपका कॉलम है, इज इक्वल टू -1 i + j इंटू माइनर आई जे, समझे आपको। ये आपको फॉर्मूला है, आपको याद रखना कोफैक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको माइनर पता होना जरूरी है, बरोबर। माइनर कैसे निकालते हैं, सबसे पहला हम वो देखते हैं। तो सबसे पहला हम एलिमेंट एक एक करके सारे एलिमेंट को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम लोग एलिमेंट ये लेते हैं, बरोबर। ये क्या आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि a11 कितना आपका 1। तो माइनर जो होगा स्टूडेंट यहाँ पे 1 का जो ऑपोजिट है 1 के वो आपका क्या होगा माइनर, यानी कि यहाँ पे क्या आपका -8, क्या है -8। तो माइनर 1 इज इक्वल टू -8। अब कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। जब भी कोफैक्टर फाइंड करना है आपका ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो a11 यानी कि कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू -1 1 + 1 - 1 1, करेक्ट। अब -1 ये देखो ये क्या आपका ऑड है कि इवन है, प्लस करने पे इवन है, 1 + 1 2। अगर इवन होगा तो नेगेटिव नंबर भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका पूरा 1, करेक्ट। और माइनर क्या आपका -8, तो 1 × -8, करेक्ट। इसे सिंप्लीफाई करने पे आपको कोफैक्टर का पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा जो कि क्या होगा आपका -8, समझा। अभी a11 होने के बाद में अब हम दूसरा एलिमेंट देखेंगे a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। क्या आपका यहाँ पे 2, इसका माइनर क्या होगा ऑपोजिट वाला वैल्यू, क्या आपका यहाँ पे 5, तो माइनर हो गया आपका a12 का माइनर हो गया 5, ठीक है। फॉर्मूला अभी कोफैक्टर फाइंड करना है, तो कोफैक्टर का एलिमेंट, कोफैक्टर एलिमेंट a12 इक्वल टू -1 1 + 2 × -1 2, करेक्ट। -1 2 हमने निकाल दिया ऑलरेडी ना, तो ये आपका क्या है 2 + 1 कितना हुआ 3 ऑड है, ऑड है तो -1 का -1 ही रहेगा, -1 × -1 कितना आपका -1 2 5 है, तो -1 × 5 विच इज नथिंग बट -5। आपको ये भी मिल गया, कोफैक्टर का सेकेंड एलिमेंट भी मिल गया आपको। थर्ड आपको फाइंड करना है, ये क्या आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम a21, क्या ये a21 कितना आपका 5, इसका माइनर क्या होगा ऑपोजिट वाला वैल्यू जो कि आपका 2, तो -2 1 इज इक्वल टू 2, बराबर। अब कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ 2 1 इज इक्वल टू -1 2 + 1 × -2 1, करेक्ट। अभी आपका इवन नंबर है कि ऑड है, ऑड है तो -1 एज इट इज रहेगा और माइनर का वैल्यू जो है हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, करेक्ट। तो 1 × -1 2 - 2, करेक्ट। अभी ये भी हो गया, लास्ट एलिमेंट आपका कौन सा आपका ये एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम a22 कितना आपका 8, इसका माइनर क्या होगा आपका -8, इसका माइनर क्या आपका ऑपोजिट वाला वैल्यू क्योंकि आपका 1। कोफैक्टर फाइंड करेंगे, फॉर्मूला आपका कोफैक्टर का, बरोबर। अब यहाँ पे 2 + 2 कितना हुआ 4, इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा 1 1 × 1 1 × 1 विच इज नथिंग बट 1, ठीक है।
तो सारे एलिमेंट्स मिल गए आपको कोफैक्टर टेस्ट के। अभी सारे एलिमेंट्स को हम लोग नोट डाउन कर देंगे। द मैट्रिक्स ऑफ अ कोफैक्टर इज कैपिटल ए आई जे, जो कि 2x2 का मैट्रिक्स है आपका, इज इक्वल टू ए 1 1, ए कैपिटल ए 1 2, कैपिटल ए 2 1, कैपिटल ए 2 2। तो जो भी वैल्यू आपको मिली यहाँ पे, ए 1 1 का आपको -8 मिला, ए 1 2 का वैल्यू आपको -5 मिला, ए 2 1 का वैल्यू आपको -2 मिला, और ए 2 2 का वैल्यू आपको -1 मिला, करेक्ट। वो सारी वैल्यू आपको पुट करना, आपको कोफैक्टर्स मिल गए, ठीक है। इस तरीके से आपको कोफैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। समझा आपको कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करना आपको किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। और कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ए आई जे से डिनोट करेंगे, बराबर ना। कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल ए आई जे। ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड, सेकंड सम, बराबर। कोफैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला तो वही है, करेक्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं मैट्रिक्स ये है, इस मैट्रिक्स का आपको कोफैक्टर फाइंड करना है। सबसे पहला एलिमेंट हम ये लेते हैं, कौन सा एलिमेंट है आपका? A11। A11 कितना आपका? अब इसके ऑपोजिट में अगर आप देखोगे तो एक एलिमेंट नहीं, चार एलिमेंट है। तो चारों एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा आपको? डिटरमिनेंट। अभी आपने ये एलिमेंट सिलेक्ट किया ना, तो ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। और बचे हुए एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो M11 माइनर 11 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट, करेक्ट। और डिटरमिनेंट ये मैंने क्या किया यहाँ पे, क्वेश्चन माइनस टू कहाँ पे, यहाँ पे, एक मिनट। ओके, वो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन जो पहले लिखा हुआ था वो गलत था। तो यहाँ पे हम सबसे पहला हमारा जो एलिमेंट है यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5। क्या आना चाहिए यहाँ पे? 5। A11 भी 5 आना चाहिए, करेक्ट। ओके, ए का वैल्यू भी करेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ए इक्वल टू कितना लिया हमने? 5। पहले क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ, बाद में ए की वैल्यू में मिस्टेक हुआ, दोनों भी करेक्ट हो गए 5। अब इसका माइनर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर पहला एलिमेंट है आपका ये 1 1, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। बचे हुए एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड करने में, बचे हुए एलिमेंट्स का आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनर बचे हुए एलिमेंट्स लिख दिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × -1 -2, -1 × 1 1, विच विल गिव मी -3 एज आंसर। माइनर मिल गया आपको। अब को फैक्टर का फॉर्मूला, कैपिटल ए 1 1 इक्वल टू -1। अभी ये 1 1 है, तो ऊपर 1 1 लिख दिया हमने, इंटू माइनर, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपका क्या, आपका ऑर्डर गिवन है, इवन किधर, नहीं यहाँ पे फिक्स है आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका फिक्स है, ठीक है। तो -1 ये आपका ऑर्डर गिवन है, इवन, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव 1, करेक्ट। और माइनर का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था -3, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको फाइनल आंसर मिल गया, ठीक है। तो आपको को फैक्टर का पहला एलिमेंट मिल गया A11। और उसी तरीके से हम बाकी सारे एलिमेंट एक एक करके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट A13। A13 क्या आपका, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 8। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा माइनर के लिए, तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, बरूबर ना। जैसे हम नॉर्मल मैट्रिसेस में करते वैसे करना आपको, बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना आपको। तो -1 2 इक्वल टू बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो वैल्यूज लिखने के बाद में 1 × -1 -1 -2 × -2 × 1 -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस। तो -1 + 2 इज नथिंग बट 1। अब आपका को फैक्टर का फॉर्मूला, A11 इक्वल टू -1 1 + 2 1 + 2, ये आपका 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे? 2। A12 इक्वल टू 1 + 2, तो माइनर 1 माइनर का भी यहाँ पे 2 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? 2 इक्वल टू -1, क्योंकि और था ना ये -1 और माइनर का वैल्यू लिख दिया 1, तो 1 × -1 -1, ठीक है। ये भी आपका हो गया। तो अभी नेक्स्ट, ठीक है, कुछ करेक्शंस थे वो कर लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब A12 भी मिल गया। अब हमारी बारी नेक्स्ट एलिमेंट की, A13 कितना आपका? 7। तो
माइनर फाइंड करने के लिए रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, बचे हुए एलिमेंट का हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। ठीक है, तो माइनर 1 3 डिटरमिनेंट निकालना आपको, माइनस 1 मल्टीप्लाई करने पे माइनस टू 4 हो जाएगा, तो फिर माइनस 4, समझा आपको ये। तो माइनस 1 माइनस 4 कितना हुआ, माइनस 5। अभी आपका कोफैक्टर का फॉर्मूला, कोफैक्टर का फॉर्मूला भी ऑड है कि इवन है, इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और माइनर कितना मिला आपको करस्पॉन्डिंग माइनर, माइनस 5, सॉल्व करने पे कितना मिला, माइनस 5। तो आपको ए 1 3 मिल गया। तो आपने ए 1 1 कोफैक्टर, 1 1 कोफैक्टर, 1 2 कोफैक्टर का एलिमेंट, 1 3 तीन फाइंड कर दिया। वैसे आप अभी दूसरा लोगे, ये क्या आपका 2 1, ए 2 1 कितना है, माइनस 1, तो वो रो और वो पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। बचे हुए एलिमेंट्स का हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। क्या मिलेगा उससे हमें, माइनर। तो माइनर फाइंड करने के लिए हमने डिटरमिनेंट निकाला बचे हुए एलिमेंट का, सॉल्व करने पे कितना आया, 1। अब कोफैक्टर का फॉर्मूला आपका, कोफैक्टर का फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब ये जो वैल्यूज है 2 1 था बरोबर, आई जे तो इवन हुआ है कि ऑड हुआ, ऑड। ऑड होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1। ये माइनस डालना है यहाँ पे आपको, माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, करेक्ट। माइनर आपका 1 ही था, करेक्ट ना, तो मिल गया आपको माइनस 1। ए 2 1 भी हो गया आपका। नेक्स्ट ए 2 2 क्या आपका, माइनस 2। ठीक है, एलिमेंट लिया हमने ए 2 2 को चेंज करना, हमें ए 2 2 का कोफैक्टर फाइंड करना आपको, करेक्ट। तो वो रो और पूरा कॉलम जहाँ पे माइनस 2 लाया था वो एलिमेंट हो गया। माइनर फाइंड करने के लिए बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट बराबर विच कम्स टू 19, कोफैक्टर ऑफ 2 2 फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। और ये आपका इवन है तो पॉजिटिव हो गया, माइनर का वैल्यू करस्पॉन्डिंग 19 था, 19 लिख दिया, आपको ए 2 2 का वैल्यू भी मिल गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ए 2 3 क्या होगा, ए 2 3 कितना आपका, ए 2 3 1। तो ये रो और ये कॉलम क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। माइनर फाइंड करने में बचे हुए एलिमेंट का हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे विच कम्स टू 21। कोफैक्टर का फॉर्मूला नोट डाउन करके वैल्यूज पुट करेंगे, या 2 3 आपका क्या, 2 3 प्लस करने पे कितना आएगा, ऑड, तो माइनस साइन नहीं रहेगा, माइनस 1, और माइनस का वैल्यू लिख दिया विच कम्स टू माइनस 21। ये निकालते हैं अभी लास्ट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, इसका हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट। ठीक है, बचे हुए एलिमेंट का हम क्या करेंगे, माइनर फाइंड करेंगे। माइनर फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, करेक्ट। डिटरमिनेंट कितना मिला हमें, 22। ठीक है, डिटरमिनेंट बहुत ईजी, जैसे आप बचपन में 10th में करते थे वैसे आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा स्टेप डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं जाता हूँ, डायरेक्टली फटाफट कवर अप करते हैं। नेक्स्ट, कोफैक्टर ऑफ 3 1 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। ये आपका इवन है तो पॉजिटिव हो गया, और करस्पॉन्डिंग माइनर वैल्यू लिखने पे आपको मिल जाएगा 22। ये मिस्टेक है, 22 आना चाहिए, कितना 22, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट ए 3 1 के बाद में अभी हम लेंगे ए 3 2। ए 3 2 ठीक है, इसका आपको कोफैक्टर फाइंड करना है, तो वो रो और वो कॉलम जहाँ पे 3 2 लाया करता है बरोबर एलिमिनेट हो जाएगा। माइनर फाइंड करने के लिए बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट विच कम्स टू 12, कोफैक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका ऑड है, नेगेटिव ही रहेगा, माइनर का वैल्यू लिख दिया, फाइनल आंसर कितना है, माइनस 12। लास्ट एलिमेंट अभी आपका ए 3 3, उसका कोफैक्टर फाइंड करना है। ए 3 3 का कोफैक्टर फाइंड करने के लिए रो और कॉलम एलिमिनेट कर दिया, माइनर के लिए बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट विच कम्स टू माइनस 2। ठीक है, कोफैक्टर का फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, 3 3 6 पॉजिटिव हुआ तो 1। ठीक है, अगर ये इवन नंबर हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट ना, 1। और माइनर का वैल्यू क्या था, माइनस 2, तो आपको ये भी मिल गया। तो सारे एलिमेंट्स का
आपको कोफैक्टर का वैल्यू मिल गया। अब आप कोफैक्टर लिख दोगे, द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर इज ए आई जे 3/3 का है, सारे एलिमेंट जहाँ पे है A11 तो आप A11 का वैल्यू पुट कर दोगे, A12 तो A12 का वैल्यू, A13 तो A13 का वैल्यू, इस तरीके से आप सारे वैल्यूज नोट डाउन कर दोगे तो आपको कोफैक्टर मिल गया, दोनों भी सम हो गया। ठीक है, तो थर्ड सम हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट सम, फोर्थ सम, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मेथड। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट कुछ नहीं है, आपका जो कोफैक्टर फाइंड करते हो उसी का आपको ट्रांसपोज निकालना, तो जितना स्टेप अभी हमने किया उतना स्टेप वापस करना पड़ेगा आपको, और लास्ट में जो भी मिलेगा आपको एडजॉइंट कोफैक्टर, सॉरी कोफैक्टर मिलेगा मैट्रिक्स का, उसको आपको ट्रांसपोज करना है तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप आगे जाना है, और वो भी आपने किया हुआ है, ट्रांसपोज कैसे करते हैं आपको पता है, बरोबर ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, नाम दे देंगे इसको, लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स, बरोबर। नेक्स्ट ईयर, पहले A11 कितना है आपका, टू। A11 फाइंड करने एलिमेंट को डिसाइड करने के बाद में हम क्या करेंगे, माइनर फाइंड करेंगे, माइनर ऑपोजिट वाला 5। ठीक है, और कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या हुआ आपका, फॉर्मूला कोफैक्टर का, बरोबर। -1 आई जे, मतलब ये आपका आई और ये आपका जे, इंटू माइनर, इंटू माइनर, माइनर कितना था आपका 5, इक्वल टू 5। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है ना, फॉर्मूला ना लिख के मैंने डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो -1 आई प्लस जे इंटू माइनर, ये आपका फॉर्मूला कोफैक्टर का। नेक्स्ट A11 के बाद में अभी नेक्स्ट A12, A12 कितना आपका, फर्स्ट और सेकंड कॉलम कितना है, -3। इसका माइनर क्या होगा, 3। इसका -3 हो गया, अकॉर्डिंगली आपका कितना होगा, -1 और 3, माइनस का क्या आएगा, -3। देखो माइंड में भी आप कर सकते हो इजीली, है कि नहीं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर भी हमारा क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 कितना आपका, 3। इसका माइनर क्या होगा, -3। ठीक है, अब कोफैक्टर के लिए पहले ये क्या होगा, ऑड होगा, A1 ऑड नेगेटिव रहेगा, -1 इंटू -3 विच इज 3, -1 इंटू -3 विच इज 3। ठीक है, मिला आपको ये, ओके। नेक्स्ट A22, नेक्स्ट क्या आपका A22, अब A22 के लिए माइनर क्या आपका, A22 5 है, इसके लिए माइनर क्या हुआ आपका, 2, बरोबर। ये आपका ऑड है कि इवन है, 2 इवन है तो आपको पॉजिटिव हो जाएगा, 1 into 2 माइनर 2 है ना, 1 into 2 विच इज 2, समझा आपको ये। तो आपको कोफैक्टर के सारे एलिमेंट्स मिल गए, तो द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज ए कैपिटल आई जे, बरोबर ना, कैपिटल ए आई जे 2/2 इक्वल टू A11, A12, A21, A22, सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है, अकॉर्डिंगली जो ऑर्डर है उसी फॉर्म में आपको सारे मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देनी है। आपने कोफैक्टर फाइंड किया, आपको फाइंड करने क्या बोला था, एडजॉइंट। अभी एडजॉइंट में आपको क्या करना है, एडजॉइंट में आपको एक स्टेप अहेड जाना है, आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, क्या निकालना है, ट्रांसपोज। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, बरोबर। तो फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो चेंजेस टू सेकेंड कॉलम, समझा आपको ये, ट्रांसपोज में ये कर देना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पे लिख देते, करेक्ट। तो आपका एक एडजॉइंट मिल गया है, समझा आपको। तो एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर्स को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। नेक्स्ट, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अभी आप 3/3 का मैट्रिक्स थोड़ा डिफिकल्ट है, करेक्ट ना। तो सबसे पहला हमने मैट्रिक्स को नाम दे दिया ए, अब सबसे एक एक करके एलिमेंट लेंगे, हियर A11 इक्वल टू 1। अब माइनर फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट 4 एलिमेंट का, ये और ये कट, करेक्ट। अकॉर्डिंगली कितना होगा, -3 -0, ठीक है, -3 -0, तो माइनस कितना आएगा फाइनल सर, -3, तो माइनर कितना आया आपको, -3। ठीक है, कोफैक्टर क्या होगा आपका, यहाँ पे कोफैक्टर इवन नंबर है ना, 1 into -3 -3, समझा आपको ये।
अब इसके बाद में हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे ए वन टू, ए वन टू हो गया आपका माइनस वन करेक्ट, तो ये कॉलम और ये रो हमने एलिमेंट कर दिया। डिटरमिनेंट माइनस सॉरी क्या माइनस फाइंड करने के लिए हम लोग बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालेंगे, टू प्लस टू हो जाएगा ना पॉजिटिव, टू प्लस टेन, टू प्लस टेन ट्वेल्व, तो माइनस कितना है आपका ट्वेल्व। अब ये ऑड है कि इवन है, ये ऑड है, टू प्लस वन ऑड है, तो माइनस वन इंटू ट्वेल्व विच इज माइनस ट्वेल्व, समझा आपको ये भी। नेक्स्ट अभी अपना नेक्स्ट एलिमेंट ए वन थ्री, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम टू, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ना टू आना चाहिए, कितना आना चाहिए टू आना चाहिए यहाँ पे। ए वन थ्री का वैल्यू करेक्ट किया हमने यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप टू ले लिया, तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट, माइनस फाइंड करने के लिए इसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस सिक्स तो प्लस सिक्स, इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया प्लस सिक्स करेक्ट। को फैक्टर क्या होगा, ये आपका इवन है वन इंटू सिक्स विच इज सिक्स। नेक्स्ट ए टू वन, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, अकॉर्डिंगली आपका ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस क्या होगा बचे हुए का डिटरमिनेंट ये हो जाएगा वन माइनस जीरो वन, माइनस कितना हुआ आपका वन करेक्ट। तो ये आपका क्या आपका ये ऑड है, तो माइनस वन इंटू वन विच इज माइनस वन। नेक्स्ट टू टू, ए टू टू कितना आपका थ्री, तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट, ठीक है, माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना प्लस फोर, माइनस वन प्लस फोर माइनस वन प्लस फोर विच इज थ्री, बराबर। अभी ये क्या आपका इवन है वन इंटू थ्री थ्री करेक्ट। नेक्स्ट अभी टू थ्री, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना आपका ये फाइव, तो ये सिलेक्ट किया तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट, बचे हुए का माइनस फाइंड करने बचे हुए का डिटरमिनेंट जीरो माइनस प्लस प्लस टू और माइनस टू, माइनस टू माइनस क्या हुआ आपका माइनस टू। अभी आपका क्या है ऑड है, तो माइनस वन इंटू माइनस टू तो प्लस टू करेक्ट। अभी नेक्स्ट ए थ्री वन, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम क्या आपका टू है, तो ये सब कट, माइनस कितना होगा माइनस फाइव माइनस सिक्स तो माइनस इलेवन, ठीक है। ऑड है कि इवन है, ये इवन है तो वन, वन इंटू माइनस इलेवन माइनस इलेवन, ठीक है। नेक्स्ट थ्री टू, थ्री टू जीरो आपका ये जीरो कट और ये कॉलम कट, फाइव वन जा फाइव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फाइव प्लस फोर नाइन करेक्ट। अभी ये आपका ऑड है कि इवन है, ऑड है, माइनस वन इंटू नाइन माइनस नाइन, ठीक है। लास्ट थ्री थ्री कितना है माइनस वन, तो ये रो कट ये कॉलम कट, थ्री माइनस टू, थ्री माइनस टू कितना होगा थ्री माइनस टू माइनस वन, थ्री ये मल्टीप्लाई किया तो थ्री और माइनस ये बीच में प्लस हो गया, हाँ थ्री माइनस टू करेक्ट, थ्री माइनस टू कितना हुआ वन। अगेन अभी क्या आपका इवन है वन इंटू वन वन, ठीक है। तो आपको को फैक्टर के सारे एलिमेंट्स मिल गए, अब आप को फैक्टर लिख दोगे, ठीक है, ए कैपिटल लिख के आई जे लिखोगे थ्री बाय थ्री, सारे को फैक्टर्स लिख दिए अंदर, सारे को फैक्टर्स के आपने वैल्यूज नोट डाउन कर दिए। आपको क्या फाइंड करना था यहाँ पे एडजॉइन, एडजॉइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा को फैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, बराबर। तो एडजॉइन ऑफ ए इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर, तो पहला रो हो गया आपका पहला कॉलम, सेकेंड रो हो गया आपका सेकेंड कॉलम और थर्ड रो हो गया आपका थर्ड कॉलम, बरोबर, और आपको एडजॉइन मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड इनवर्स, ये आपका लास्ट पार्ट होगा आज का, ठीक है। इनवर्स, इनवर्स के ये पांचों जो क्वेश्चन है सब क्वेश्चन सारे हम कंप्लीट करेंगे फिर एंड अप कर देंगे। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपको इनवर्स फाइंड करना, बट कैसे फाइंड करना है एडजॉइंट मेथड से।
इनवर्स फाइंड करने के अलग अलग मेथड है, रो ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, एडजॉइन है, बरोबर ना। हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है तो वही मेथड फॉलो करना है, दूसरा मेथड फॉलो करोगे तो आंसर मिलेगा तो भी आपको रॉन्ग दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया एडजॉइन, तो एडजॉइन के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स, ठीक है, इजी एकदम। हियर लेट ए इक्वल टू, नाम दे दिया। अभी सबसे पहला, अच्छा एक और चीज, इनवर्स फाइंड करने के लिए एक बेसिक कंडीशन है, इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा और डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, -3 + 2, बराबर ना, -3 - -2 विच इज +2, तो कितना आया -1 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। तो जब भी आप ये चालू करोगे सम इनवर्स वाले, हमेशा पहले आप देखो इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो अब हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे a11 के यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख रहे, ठीक है ना, a11 का फॉर्मूला नोट डाउन कर दिया, -1 अभी आपका कोफैक्टर ऑफ 1 1 फाइंड करने के लिए आपका माइनस कितना हुआ, -1, करेक्ट, तो 1 - -1 विल गिव यू -1। उसी तरीके से हम डायरेक्टली कोफैक्टर ऑफ a2 फाइंड करेंगे, कोफैक्टर ऑफ 1 2 का कोफैक्टर क्या होगा, 1 2 का कोफैक्टर पहला माइनस डिसाइड करेंगे, बरोबर ना, माइनस कितना होगा 2, बरोबर a 1 2 1 2 ऑड हुआ कि a 1 हुआ, ऑड, तो -1 - -1 - 2 समझे आपको ये। अब थर्ड डायरेक्टली कोफैक्टर की वैल्यू हम नोट डाउन करें, यहाँ पे a 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसका फाइंड आउट करते हैं, a 2 1 इसका कोफैक्टर क्या हुआ आपका, सॉरी इसका माइनस क्या हुआ आपका, -1, ठीक है, क्या किधर, 1 - -2 ना, इधर ये आपका ऑड हुआ ना, ऑड तो माइनस वन ही रहेगा, इसमें कोफैक्टर फाइंड करने के टाइम पे हमारा फॉर्मूला है -1 और ij, ठीक है, कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, -1 ij, तो -1 i आपका 1 है, j आपका 2 है, ऑड हुआ तो ऑड होने के से -1 - -1 ही रहेगा, और -12 कितना मिला, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनस कितना था 2, तो (2) समझा, तो कितना आया -2, ओके। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना, a 1 3 1 3 नहीं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, a 2 1 2 1 का माइनस क्या होगा, -1, और कोफैक्टर क्या रहेगा आपका, देखो पहली बात तो -1 आपका माइनर है, बरोबर, और ये आपका 2 1 क्या है, आपका 2 1 है ना, ये 2 1 आपका क्या है, ऑड है, तो वो भी -1 - -1 - -1 1, बरोबर। उसके बाद में आपका लास्ट a 2 2 का माइनर क्या होगा, 3, और 2 2 क्या आपका ऑड है कि इवन है, इवन, तो 1 3 आंसर, समझे आपको ये। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने एडजॉइंट्स फाइंड आउट कर दिया, बरोबर ना, स्टेप्स नहीं बताए यहाँ पे, डायरेक्टली इनवर्स बताना, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे कोफैक्टर्स को नोट डाउन कर दिया, इजी था, डायरेक्टली हमने नोट कर दिया। अभी हम सारे कोफैक्टर्स लिखेंगे, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज कैपिटल ए आई जे 2 by 2, ठीक है, सारे एलिमेंट्स की वैल्यू लिख दिया हमने, सारे कोफैक्टर्स लिख दिए, सारे कोफैक्टर लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, ये आपका -2 होना चाहिए ना यहाँ पे, ओके करेक्शन कर लिया मैंने यहाँ पे, फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो चेंजेस टू सेकेंड कॉलम, ट्रांसपोज निकाल दिया आपने। अब इनवर्स का भी फॉर्मूला है,
इनवर्स इज नथिंग बट वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. इनवर्स का ही फॉर्मूला रखना आपको, ठीक है ना. इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. डिटरमिनेंट कितना मिला आपको? तो माइनस वन, और जो एडजॉइंट था आपका आप हैज दिस नोट कर दे, तो आपको इस तरीके से इनवर्स मिल गया. समझे आपको ये? अब ये जो माइनस वन बाहर था उसको हम अंदर लेके चले गए, सारी की सारी साइन क्या हो गई? चेंज. जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो डन. इनवर्स हमने फाइंड आउट कर दिया. नेक्स्ट इसका भी आपको ऐसे करना है. तो इनवर्स बोला तो पहले डिटरमिनेंट चेक करेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. तो सबसे पहला लेट ए इक्वल टू लिख दिया. इसका डिटरमिनेंट 10 प्लस 8 18 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट. 0 होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. नॉट इक्वल टू 0 इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है. अब इसके बारे में सीधा क्या फाइंड करेंगे? कोफैक्टर्स, ठीक है. पहला 1 1, तो 1 1 का ऑड इवन है, इवन है, इवन है, तो इवन हो गया. अब सबसे पहले a 1 1 2 था ना, 2 का माइनस क्या हो गया? 5. तो 5 लिख दिया हमने यहां पे, मिल गया आपको ये. आपको चाहिए तो आप बेसिक एक एक स्टेप करके बता सकते हो, ठीक है ना. पहले एलिमेंट लिख सकते हो, फिर माइनर का वैल्यू लिख सकते हो, फिर कोफैक्टर को भी डिटेल में आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट ए वन टू, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम क्या आपका? माइनस टू. इसका माइनर क्या आपका? 4. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 हुआ, ऑड हुआ, माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4. समझे आपको ये? थोड़ा प्रैक्टिस करने पे आप माइंड कैलकुलेशंस भी कर सकते हो. फिर नेक्स्ट ए ए 2 1 बराबर ना, ए 2 1 इसका माइनर क्या होगा? माइनस 2. और 2 1 क्या आपका ऑड है कि इवन है? ऑड है ना, तो माइनस 1. माइनस 2 इंटू माइनस 1 2, मिल गया आपको 2, करेक्ट. लास्ट लास्ट वाला भी ए 2 2 5 है, ठीक है. सुनो बीजर, फाइव का ये क्या बोले, माइनस क्या होगा? 2 2 इंटू, अभी ये 2 2 क्या आपका ऑड है कि इवन है? इवन है, तो 1 2 इंटू 1 2, तो लास्ट का भी क्या आया? 2. कोफैक्टर के सारे एलिमेंट्स मिल गए. कोफैक्टर नोट डाउन कर देते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज नोट डाउन कर दिया हमने. अब इसका हम क्या फाइंड करेंगे? एडजॉइंट. एडजॉइंट इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, बराबर. तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर. तो फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो चेंजेस टू सेकेंड कॉलम. एडजॉइंट मिल गया. इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए. तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए. 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? 18. 1 अपॉन 18 इनटू एडजॉइंट ए. समझा आपको ये कंप्लीट हो गया हमारे समय यहाँ पे, ठीक है. आपको चाहिए इस ब्रैकेट में अंदर वैल्यू लेके जा सकते हो 18 को, और एज इट इज भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट इनवर्स. ओके, नेक्स्ट इनवर्स फाइंड करना है एडजॉइंट मेथड से, बरोबर. सबसे पहले हम क्या करें, इसका नाम दे देंगे एक, दे दिया, और उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे. डिटरमिनेंट कितना होगा इसका? 10. एक एक करके किया, ठीक है ना. हमने किस तरीके से निकाला आपको पता है ना डिटरमिनेंट? हां पता है. तो उसी तरीके से निकाला, डिटरमिनेंट मिल गया 10 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है. एक बार डिसाइड हो गया इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स. क्या फाइंड करेंगे? कोफैक्टर्स. तो यार ए वन वन, ए वन वन इक्वल टू माइनस वन, वन प्लस वन इंटू माइनर 11, है ना. वन वन, तो ये आपका ऑड तक इवन था, इवन तो पॉजिटिव हो गया. माइनस वन वन निकालना है, तो हमने क्या किया, ये था ना, तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट कर दिया, बरोबर. वन लिख के हमने बाकी एलिमिनेट करके वैल्यू लिख दिया यहाँ पे. ये इसका वैल्यू कितना आएगा? ऑलरेडी तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, ज़्यादा त्रास नहीं होगा, बरोबर ना. आप यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू नोट डाउन कर सकते हो, करेक्ट. तो आपको मिल गया ये आपका 10. कितना मिल गया? 10. 10 माइनस 0 10, और 10 इंटू 1 10.
समझा। अब नेक्स्ट क्या आपका ए वन टू बराबर। अब इसके लिए क्या होगा ए वन टू माइनस वन वन प्लस टू ऑड है ये आपका माइनस वन एज इट इज। अब ये वन टू का आपको फैक्टर निकालना सॉरी डिटरमिनेंट निकालना है तो ये रो और ये कॉलम कट फाइव जीरो जा जीरो माइनस जीरो इंटू फोर जीरो जीरो इंटू जीरो जीरो माइनस वन इंटू जीरो जीरो समझा आपको ये। नेक्स्ट ए वन थ्री ए वन थ्री वन थ्री क्या हुआ आपका ऑड हुआ कि इवन हुआ इवन हुआ तो पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव हो गया माइनस निकालना है आपको इसका तो ये रो कट और ये कॉलम कट जीरो इंटू जीरो जीरो टू इंटू जीरो जीरो तो अल्टीमेट फाइनल आंसर ए जीरो करेक्ट। नेक्स्ट ए वन फोर सॉरी ए वन फोर क्या ए टू वन फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया ना सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ठीक है ये आपका ऑड है साइन नेगेटिव रहेगा अब आपने ये नंबर सेलेक्ट किया तो ये रो कट और ये कॉलम कट डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे फाइव टू जा टेन माइनस जीरो टेन माइनस जीरो इंटू माइनस वन तो कितना हुआ माइनस टेन समझा आपको ये भी। नेक्स्ट ए टू टू अब ये इसकी बारी बराबर ए टू टू क्या हुआ आपका इवन हुआ तो माइनस वन हो जाएगा आपका पॉजिटिव वन करेक्ट फाइव वन जा फाइव और ये जीरो फाइव माइनस जीरो फाइव फाइव वन जा फाइव बराबर। नेक्स्ट ए टू थ्री सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये पूरा कट और ये कट बराबर जीरो और जीरो बराबर ना ए टू थ्री ये आपका क्या हुआ आप ये ऑड तो माइनस वन डिटरमिनेंट लिख दिया और वो जीरो जीरो था तो माइनस वन इंटू जीरो माइनस वन आना चाहिए ठीक है माइनस वन इंटू जीरो जीरो ये भी हो गया आपका। उसके बाद में नेक्स्ट और सेकेंड रो कंप्लीट ना हम ना अभी थ्री वन ए थ्री वन थ्री वन क्या हुआ आपका इवन हुआ तो पॉजिटिव हो गया माइनस निकालना थ्री वन का थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बराबर तो फोर टू जा एट टू थ्री जा सिक्स एट माइनस सिक्स कितना हुआ टू टू वन जा टू समझा आपको ये भी। नेक्स्ट ए थ्री टू ए थ्री टू ये क्या हुआ आपका और माइनस वन एज इट इज थर्ड रो सेकेंड कॉलम कितना हुआ आपका फोर माइनस जीरो फोर माइनस जीरो फोर फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर लास्ट को फैक्टर आपका ए थ्री थ्री तो थर्ड रो थर्ड कॉलम कट ठीक है थ्री थ्री क्या हुआ आपका इवन तो ये नेगेटिव वन हो गया पॉजिटिव वन बचे अगर डिटरमिनेंट निकाले तो क्या होगा टू माइनस जीरो टू तो वन इंटू टू टू तो को फैक्टर के सारे एलिमेंट्स मिल गए आपको। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे को फैक्टर लिखोगे द मैट्रिक्स ऑफ द को फैक्टर इज लिख दिया ए आई जे इक्वल टू आना चाहिए यहाँ पे ठीक है इक्वल टू और इक्वल टू ठीक है एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो चेंजेस टू सेकेंड कॉलम थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम बराबर। अब डिटरमिनेंट इनवर्स फाइंड करना था ना आपको एडजॉइंट फाइंड करने के लिए इनवर्स क्या है वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए करेक्ट तो वन अपॉन टेन इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए समझा आपको ये क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के सम्स कवर अप करेंगे ठीक है। हाँ।